कि आप लोगों को पता है कि राम मंदिर के अंदर जो मूर्तियां लगाई जाएंगी वो सभी रामायण से संबंधित हैं, तो आज उन्हीं मूर्तियों से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो आज आपको उन्हीं का व्यूज दिखाएंगे हम कि वो सारी मूर्तियां कैसे बनी हुई हैं और उन मूर्तियों में कैसे कैसे विचित्र चित्र हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसी कैसी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और किन किन चीज़ों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। राम मंदिर बनने के बाद ये सारी मूर्तियों को राम मंदिर के अंदर स्थापित किया जाएगा और इनका जगह निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी मूर्तियां कहां पर स्थापित की जाएंगी। अभी ये मूर्तियां जहां पर रखी गई हैं उसका नाम है राम कथा कुंज, जहां पर ये मूर्तियां अभी रखी गई हैं और इनकी डिजाइनिंग और इनकी पेंटिंग यहीं पर की जाएगी राम कथा कुंज में ही। इसके बाद इसे राम मंदिर ले जाके राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा और वहाँ पर इनका शिलान्यास होगा। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और दिखाते हैं आगे का व्यूज़। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। यहाँ पर रखी गई सभी मूर्तियों का रामायण से कोई ना कोई संबंध ज़रूर है, तभी ये मूर्तियाँ राम मंदिर में रखी जा रही हैं और इनकी पेंटिंग होना अभी बाकी रह गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मूर्तियाँ तो बनकर तैयार हो गई हैं पर अभी इनकी पेंटिंग नहीं हुई है और इनकी पेंटिंग करने में करीबन एक साल लग जाएगा। ऐसा माना जाता है कि करीबन एक साल लग जाएगा क्योंकि मूर्तियों की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर पेंटिंग भी करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि इनकी पेंटिंग बहुत ही यूनिक तरह से की जाएगी और बहुत ही अच्छे ढंग से की जाएगी, जिससे देखने में अच्छा लगे और बहुत ही अनोखा लगे और बहुत ही अद्भुत लगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं आगे का व्यूज़, और आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर की मूर्ति भी यहाँ पर रखी हुई है। ऐसे ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो कि रामायण से संबंधित हैं और इनको यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं भगवान विश्वकर्मा जी भी यहाँ पर हैं और बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ हैं आपको देखने को मिलेगा कि कन्हैया जी हैं, माता यशोदा जी हैं और बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही प्यारी हैं और देखने में बहुत ही यूनिक लगती हैं। देख सकते हैं कि कुछ मूर्तियों की पेंटिंग हो चुकी है और कुछ मूर्तियों की पेंटिंग बाकी रह गई है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आगे का व्यूज़। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और अगर आपको भी देखना है इन मूर्तियों को तो आइए हमारे अयोध्या, अयोध्या में रखी गई हैं और जहाँ पर रखी गई हैं उसका नाम है रामकथा कुंज, जो कि रामघाट चौराहा से करीबन 200 मीटर की दूरी पर है। तो अगर आपको भी देखने का मन है तो आप आ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी आ सकते हैं इनको देखने के लिए। और चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं आगे का व्यूज़। तो आप देख सकते हैं करीबन यहाँ पे 1000 मूर्तियों से ऊपर रखा गया है जिनकी पेंटिंग होना अभी बाकी रह गया है और तकरीबन एक साल लग जाएगा इन मूर्तियों को पेंट होने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लक्ष्मण जी, माता सीता जी, भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं और बहुत ही यूनिक ढंग से बनाया गया है ये मूर्तियों को। आइए हम ले चलते हैं आपको दूसरी तरफ और दिखाते हैं दूसरी तरफ का व्यूज़। तो अभी आप देख सकते हैं कि भरत जी और लक्ष्मण जी साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारी मूर्तियों हैं जिन्हें अभी दिखाना आपको बाकी रह गया है। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाते हैं आगे का व्यूज़, तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, रोज़ एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ जिससे आप अयोध्या की खबरें आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं आगे का व्यूज़। तो आप देख सकते हैं कितने यूनिक ढंग से बनाया गया है इन मूर्तियों को और बहुत ही सफाई के साथ बनाया गया है। हम ले चलते हैं आपको अंदर से बाहर की तरफ और दिखाते हैं कि बाहर क्या नज़ारा है। जैसा कि ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिषासुर को माँ दुर्गा अभी वध कर रही हैं, तो इसका भी आपको चित्र देखने को मिलेगा जैसा कि रामायण में बताया गया है, वैसे ही व्यूज यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो चलिए आप चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आगे का व्यूज़। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे सेनापति लोग आगे खड़े हुए हैं और राजा साहब पीछे खड़े हुए हैं, इनको भी दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। तो चलिए आप चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और दिखाते हैं आगे का व्यूज़, तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है राम कथा कुंज और आपको इसका गेट भी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।